बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार का काउंटडाउन शुरू हो गया। जनता दल यूनाइटेड ने अपने संभावित मंत्रियों के नाम तय कर लिए। केवल भारतीय जनता पार्टी को अपने कोटे से संभावित नामों की सूची को अंतिम रूप देना है। चर्चा है कि बीजेपी ने भी अपने संभावित मंत्रियों के नाम तय कर लिए हैं, लेकिन इस पर दिल्ली की अंतिम मोहर लगनी बाकी है। इसके लिए बीजेपी के कई दिग्गज नेता सुशील मोदी, नित्यानंद राय और राधा मोहन सिंह जैसे नेता दिल्ली में जमे पड़े हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई नामों की चर्चा हुई है। इनमें शामिल बीजेपी के शहनवाज हुसैन हैं, जिनकी एंट्री तय मानी जा रही है। बीजेपी सूत्रों की माने तो विधानसभा चुनाव में जीत से उत्साहित पार्टी का सारा फोकस इस बार सामाजिक और राष्ट्रीय समीकरण को अपने ओर खींचने में। यही वजह है कि संभावित मंत्रियों के नाम को अंतिम रूप देने में समय लग रहा है। जानकारी के मुताबिक जिस जाति के विधायक की संख्या अधिक होगी उनको मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देने की कार्य बिहार सरकार करेगी। फिलहाल राज्य में मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री के अलावा 13 मंत्री शामिल हैं। बीजेपी कोटे से तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी मंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं। इन दोनों के अलावा मंगल पांडे, अमरेंद्र प्रताप सिंह, जीवेश मिश्रा, रामसूरत राय, रामप्रीत पासवान मंत्री हैं, यानी 13 में से 7 मंत्री बीजेपी के। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किन किन को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं।